क्या होता है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक वायरस का ग्रुप है जिसमें कई तरह के वायरस शामिल हैं। अगर इन वायरस को एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी सतह पर मुकुट जैसे स्पाइक्स दिखेंगे, इसलिए इसका नाम कोरोना, जो एक क्राउन की तरह हो, रखा गया है। कोरोना वायरस को चार सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। 1960 में पहली बार इंसानों में पाया जाने वाला कोरोना वायरस का पता चला था। इसमें चार सामान्य टाइप के कोरोना वायरस हैं, 229E, NL63, OC43, HKU1। दुनिया भर में लोग आमतौर में इन चार टाइप के मानव कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। ज्यादातर कोरोना वायरस जानवरों में पाए जाते हैं, पर कभी कभी कुछ कोरोना वायरस जो जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं, वो लोगों को भी बीमार बना सकते हैं और एक नया मानव कोरोना वायरस बन सकते हैं। हमको कुछ और असामान्य कोरोना वायरस के बारे में भी पता चला, जैसे कि सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS और सबसे नया 2019 नोवल कोरोना वायरस। What is novel coronavirus? 2019 novel coronavirus एक बीटा कोरोना वायरस है जिसके बारे में सबसे पहले चीन के वुहान शहर में पता चला। इसको सांस संबंधी बीमारियों के प्रकोप के रूप में पहचाना जाता है। ये वायरस वुहान शहर के एक मीट मार्केट से आया और उसका ओरिजिन बैट मतलब चमगादड़ बताए जा रहे हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि ये वायरस जानवरों और पशुओं से इंसानों में फैल रहा है, किंतु रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये पता चला कि अब ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल रहा है। What are the symptoms? क्या लक्षण हैं इसके? यह वह लक्षण है जिससे पता चलता है कि कोई इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित है। कोरोना वायरस में सर दर्द होना, नाक बहना, नाक से पानी निकलना, खांसी आना और गले में खराश रहना, बुखार आना, बार बार छींक आना और अस्थमा का बिगड़ जाना, थकान का महसूस होना और निमोनिया भी हो सकता है। इस वायरस की वजह से फेफड़ों में सूजन आ जाती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसलिए यह घातक है और सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या ये वायरस हवा से फैलता है? ये वायरस संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। इसमें सभी संक्रमित इंसानों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए और हाथों को सैनिटाइज रखना चाहिए। कैन यू डाई फ्रॉम कोरोना वायरस? क्या इसकी वजह से आपकी जान जा सकती है? ये वायरस कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है, जैसे कि बच्चों और बुजुर्गों में। यदि कोई पहले से ही किसी बीमारी जैसे अस्थमा, निमोनिया इत्यादि से पीड़ित है तो उनके लिए यह वायरस जानलेवा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो भी इस वायरस से संक्रमित होता है वो मर जाता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि संक्रमण के 8 से 15 दिन के बाद कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। What precautions to take to protect yourself? अपने हाथों को धोना सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आप कर सकते हैं। अगर आपको जुकाम या फ्लू है तो मास्क जरूर पहने। छींकते समय अपना मुंह ढक कर रखें। हैंड सैनिटाइजर के साथ अपने हाथों को साफ करें। कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। वैज्ञानिक कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई वैक्सीन या दवाई की खोज नहीं हो पाई है जो कि कोरोना वायरस का सामना कर सके। कोई भी एंटीबायोटिक इस पर असर नहीं करती क्योंकि यह एक वायरस है, ना कि कोई बैक्टीरिया।